दोस्तों, क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि शिव मंदिर पर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? भगवान शंकर की मूर्ति पर जल क्यों नहीं चढ़ाते और उन्हें लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? हैरान करने वाली बात है कि 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान शिव का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर उनकी मूर्ति की नहीं बल्कि लिंग यानी कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। जबकि अन्य देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे की पौराणिक कथाओं को बताएंगे। एक बार ऋषि भृगु भगवान शिव से मिलने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने शिव के घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह यह थी कि शिव पार्वती संग संभोग कर रहे थे और इसी वजह से दरवाजा नहीं खोल पाए। बाबा भृगु की बेचैनी बढ़ती गई और वे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। कुछ देर बाद जब शिव ने दरवाजा खोला तो पार्वती भी उनके साथ ही खड़ी थी। बाबा भृगु को इस बात पर गुस्सा आ गया कि शिव उन जैसे एक महान ऋषि का स्वागत करने की बजाय संभोग को प्राथमिकता दे रहे थे और तब उन्होंने शिव को श्राप दिया कि कोई भी शिव को असली रूप में नहीं पूजेगा, उनकी हमेशा लिंग के तौर पर ही पूजा की जाएगी। इसके अलावा लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं के लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजार वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है।